कोरोना महामारी के दौरान पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा दामों के बढ़ाए जाने पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के द्वारा केंद्र सरकार पर महंगाई को न संभालने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री एवं पूर्व राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अनीता वर्मा ने पेट्रोल डीजल दामों पर बोलते हुए कहा कि आपदा के दौर में लोग कठिनाई से जूझ रहे हैं और इस पर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने से लोग त्रस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि तेल के दामों को बढ़ाकर सरकार और महंगाई बढ़ा रही है। वहीं केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री एवं सांसद हमीरपुर अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार का बचाव करते हुए पेट्रोल डीजल के दामों पर कहा कि थोड़ा थोड़ा सा ही रेट बढ़ाया है। पूर्व राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अनीता वर्मा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो रही है, जिससे कोरोना बीमारी के समय में लोगों को और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन दिया है कि आज का दौर जो है आपदा का दौर है, लोग बड़े कठिनाई में हैं। लोगों को बहुत ही एक सुविधा जो मिलती थी पहले, क्योंकि उनकी नौकरियां थी और वो ठीक ठाक रह रहे थे, आज वो सुविधाएं नहीं हैं। ऊपर से सेंटर की सरकार ने पेट्रोल और डीजल जो है उसके दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान में अहंकार मच गया है कि इस महंगाई को तो ये सरकार संभाल नहीं रही है, लेकिन इन दामों को बढ़ाकर और महंगाई लोगों पर डाल रही है। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में फ्री में गैस दी है और पेट्रोलियम उत्पाद की बिक्री नहीं हो सकी है, जिसके चलते अब थोड़ा थोड़ा करके पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। ऐसे सेल ना के बराबर, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सेल ना के बराबर हुई, गैस की जो हुई वो भी फ्री में गैस बांटने वाला काम ज्यादातर हुआ, जिसमें 11,000 करोड़ की सब्सिडी अलग से। तो आप देखिए, आखिरकार भारत के खजाने में पैसा नहीं आएगा, तो देश को चलाना भी है, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी देनी है, शिक्षा भी देनी, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह भी देनी, ईपीएफ का पैसा भी आप लोगों के खाते में डालना, ये सब करने के लिए कहीं ना कहीं से कर तो आएगा। और ये बहुत थोड़ा थोड़ा करके पैसा बढ़ाया गया है। अगर आप पहले के दर देखेंगे, आज से 3 महीने पहले क्या रेट था, आज देखेंगे तो बहुत ज्यादा उसमें कोई अंतर नहीं। गौरतलब है कि हमीरपुर में आज पेट्रोल के दाम में 70 रुपए 65 पैसे और डीजल 70 रुपए 91 पैसे है और पिछले कई दिनों से दोनों के दामों में काफी इजाफा हुआ है।